हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम बनाएंगे चिकन चंगेजी। इसको हम लोग मुर्ग चंगेजी भी बोल सकते हैं और मुगलाई चंगेजी भी बोल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। चिकन चंगेजी बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया। इसमें मैं कर्ड ऐड करूंगी, योगर्ट 1 टीस्पून, 2 टीस्पून त्रिपुराई मैं ऐड कर रही हूँ, ये 100 ग्राम है। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और नमक एज पर टेस्ट। जिंजर पेस्ट अभी मैं 1 टीस्पून ऐड किया, फिर ग्रेवी बनाने के टाइम फिर से ऐड करूंगी। गार्लिक पेस्ट ये भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, फिर इसको हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए मैंने चिकन में सारा कुछ मिला के मैंने मिक्स कर लिया। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स में रेस्ट दे रही हूँ। अभी कढ़ाई में मैंने ऑयल दिया है 2 टेबलस्पून, ये थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें ऑनियन ऐड करूंगी। थोड़ा सा गर्म होने तक हम लोग वेट करेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें ऑनियन डालूंगी। मैंने ऑनियन लिया, इसको मैंने ऐसे करके काट लिया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज ही काटा मैंने। अभी कर लिया, अभी इसमें मैं काजू ऐड कर रही हूँ। 3 काजू लिया मैंने, आलमंड बादाम ऐड कर रही हूँ, ये 8 लिया मैंने। फिर से अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। देखिए और भी मैंने थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लिया। 1-2 मिनट बाद मैं ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 3 टमाटर लिया बिग साइज का। इसे मैं इसको मिक्स करूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाता है तब तक इसको हम लोग ऐसे करके फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, ये हो गया है हम लोगों का, आप खुद भी देख सकते हो। अभी मैं ये ठंडा करूंगी, ठंडा करके इसका एक स्मूथ पेस्ट मैं बना लूंगी। देखिए मैंने ये टमाटर का पेस्ट बना लिया, टमाटर काजू और बादाम का। अभी मैं गैस ऑन करके कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मैं घी दूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने घी ऐड किया, ये गरम होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे। 1 सिनेमन स्टिक ऐड कर रही हूँ, 3 क्लॉव्स ऐड कर रही हूँ और छोटा इलायची 2, ये थोड़ा चीर के ऐड करूंगी। इसका जब खुशबू आ जाए तब इसमें हम लोग ये जिंजर पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैं ये ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट। गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ।
पाउडर 1 टेबलस्पून एंड हाफ टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून मैंने ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया, इसको ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। अभी ये मैरिनेटेड चिकन मैं डाल दूंगी, ये ऐड कर रही हूँ। मिक्स करूंगी इसको। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी ये मीडियम फ्लेम में मैं 5 से 10 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम में 5 से 10 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो गया है, ऑयल रिलीज भी हो गया चारों तरफ से। अभी मैं ये ऑनियन का पेस्ट ऐड करूंगी, ऑनियन काजू और बादाम का जो मैं पेस्ट बनाई थी ये ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर से मिक्स करके 5 से 10 मिनट्स तक हम लोग वेट करेंगे, पकाएंगे जब तक फिर से ना ऑयल चारों तरफ से छोड़े। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसको। अभी मैं 5 से 10 मिनट्स तक इसको फिर से पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो गया है, ऑयल भी रिलीज हो गया है, आप देख ही सकते हो। अभी इसमें मैं ये कसूरी मेथी ऐड करूंगी। मैं ये मैं ड्राई कर लिया इसको, भून के रोस्ट करके मैं ऐसे करके रोस्ट करके मैं डाल दूंगी। मिक्स करूंगी और इसमें मैं थोड़ा दूध ऐड करूंगी ग्रेवी के लिए। ये दूध ऐड कर रही हूँ मैं ग्रेवी के लिए। आपको जितना ग्रेवी जरूरत है उस हिसाब से आप ये डालना। थोड़ा बॉईल होने तक वेट करेंगे। एक दो मिनट इसको बॉईल होने देंगे। देखिए 1 मिनट हो गया इसको मैंने बॉईल किया। अभी इसमें मैं कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब, ये है। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, फिर मिक्स करेंगे और इसके साथ फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी मैं। ये देखिए ये भी ऐड कर देती हूँ, फिर मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। बन गया है हम लोगों का चिकन चंगेजी। गैस मैं बंद कर देती हूँ और सर्व करती हूँ। चिकन चंगेजी इज रेडी। देखिए फ्रेंड्स देखने में भी बहुत बढ़िया हुआ है। एंजॉय विथ रोटी एंड पराठा एंड नान। आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, कमेंट्स भी करना कैसा हुआ है, कैसा बना है ये। आप लोग भी बनाओ, खा के बताना कैसा बना है। और प्लीज बेल बटन दबाना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करना, ये तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से। प्लीज थैंक यू।